दिल को करारित दिल में कहाँ से आएगा दिल को करारित दिल में हाय 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 सारी बहार एक दिन में कहाँ से आएगा दिल को करार एक दिन में अभी तो शाम तलक है सफर सकीना का हाय 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 अभी तो शाम तलक है सफर सकीना का तमाचे इतने ना बची को मार एक दिन में हाय 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 या हुसैन या हुसैन कहाँ से आएगा दिल को करार एक जवान बेटे की मैयत पे कह रहे थे हुसैन मैं लुट गया मेरा परवरदिगार एक दिन में हाय 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 या हुसैन या हुसैन कहाँ से आएगा दिल को करार एक दिन में अंगूठी को या हुसैन कहाँ से आएगा दिल को करार एक दिन में ये बात पूछे तो बिद की बेकसी से हाय 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 या हुसैन बनाए कैसे बहातर मजार एक दिन में हाय 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 या हुसैन कहाँ से आएगा दिल को करार एक दिन खिजाने लूट ली सारी बहार एक दिन में दूर हुए कितनी बार एक दिन में हाय 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 हुसैन कत्ल हुए कितने कहाँ से आ जो दिली नेक तमन्नाएं हैं आपकी ये शायद बताइए कि
इस सब की हाजत पूरे करने के लिए एक मरतबा बुलंदर सलावात। हकीकत ये है कि कमर भाई को पहले कहा कि मैं पढ़ लूँ दो अशआर, फिर आप पढ़ें, लेकिन शुरू है दो अशआर बिस्मिल्लाह। तकामुल हो रहा है हुसैन और यजीद का कि उसको भी अभी रज़ियल्लाह कहना शुरू कर दिया है, लेकिन हकीकत में वो लानत है बेशुमार। हुसैन को क्या मानो फकत ये मानो, वाह हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन सैनिको हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। क्या बात है, मुस्तफा का अगर कहना नहीं मानते उसका मानो। खुद मुईन दीन ने कहा, खुद मुईन दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन अगर तुमने अल्लाह की मदद की, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।
अब समझ में आ रहा है। तो इमाम अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं इंतखाब खुदा दो किस्म के हैं, एक इंतखाब इलाहिया अल्लाह के लिए है, दूसरा इंतखाब वो शियों का है वो हमारे लिए है। अब मालूम हुआ जो इंतखाब अव्वल है जो बिला वास्ता है तभी इसी घराने में फकत या मुस्तफा मिलेंगे या मुज्तबा मिलेंगे या मुर्तदा मिलेंगे। किसी दूसरे घर में आपको मुस्तफा और एट द टाइम मुर्तजा उसी वक्त मुज्तबा नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह, यही सबूत है कि ये इंतखाब खुदा बिला वास्ता है। यानी क्या मालूम हुआ, यानी ये फकत चहादा मासूमीन है जो अल्लाह के लिए है, इसके अलावा जो भी है वो इनके लिए है, चाहे आदम ही क्यों ना हो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बार मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस कुदसी इस पर गवाह है। अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया, अगर ये खमसाए आले अबा न होते, इनकी मोहब्बत न होती, इनकी ज़वाते कुदसिया न होती, तो मा खलक्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़ा मदहियतन वला शमसम कमरम मुनीरा। ये अल्लाह फरमा रहा है, मैंने जमीन और समावात को जो तकलीफ फरमाया, मैंने कुल्ले मासिम अल्लाह को, तवज्जो कीजिएगा, मैंने कुल्ले मासिम अल्लाह को जो तकलीफ फरमाया, जो आप चांद देख रहे हैं, जो शम्स और कमर देख रहे हैं, जो कवाकिब देख रहे हैं, जो नजूम देख रहे हैं, जो सितारे देख रहे हैं, ये फलकुल अफलाक देख रहे हैं, मिन जर्रत इला फलकुल अफलाक, जो नजर आ रही है वो मोहब्बत आलमा का सदका है। यही इंतखाब है खुदा। और जो इंतखाब बिला वास्ता होता है उसका एक नतीजा है, अब तवज्जो कीजिएगा, जो बिला वास्ता है ना वही मुअल्लिमुल मुल्क भी होता है, वही मुअल्लिम मलकूत भी होता है। ये ज़हन नशीन कर ले, जो आलम मुल्क की तख्लीक खुदा है, जो आलम मलकूत और आलम अनवार की जो तख्लीक खुदा है, उनके मुअल्लिम ये हैं। बेशक चाहे नजफ अशरफ मौला अली अलैहि सलाम के रोज़े के सामने मौला ने घर अता किया है अपना, और हदीस किस्सा मजलिस जिक्र नुए खानी लंगर न्यास मौला के रोज़े के सामने अपने घर में है। आप सबकी दुआएं। उसके दिन